नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष प्रताप सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी विभाग विवेकानंद हॉस्पिटल, डायरेक्टर V2 यूरोलॉजी हॉस्पिटल। आज मैं आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि इसमें ब्लैडर की एक्टिविटी, पेशाब की थैली की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ये मूत्र संबंधी समस्याओं का एक समूह है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अर्जेंसी, जिसमें मरीज को अचानक तीव्र इच्छा महसूस होती है वॉशरूम जाने के लिए। कई बार वो बाथरूम जाने तक कभी यूरिन का लीकेज भी हो जाता है। इसके साथ साथ मरीज को कई बार नॉर्मल से अधिक बार यूरिन के लिए वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। किस वजह से होता है? जब भी मस्तिष्क अनियंत्रित पेशाब की थैली को सिकुड़ने का संदेश देने लगता है, यानी कि जब पेशाब की थैली में पर्याप्त मात्रा में यूरिन स्टोर नहीं है। इसके साथ साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेशाब की थैली की मांसपेशियाँ हैं वो भी उनके अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो अनियमित ढंग से जो है सिकुड़ने लगती हैं, जिससे मरीज में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये इसके अलावा कुछ पेशेंट जो हैं, जैसे जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में ये समस्या हो सकती है। आमतौर पर जब आम महिलाएं जो इनका मेनोपॉज हो चुका है, या पुरुष जैसे जो प्रोस्टेट वगैरह की समस्या से ग्रसित हैं, उसमें यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके हम लोग इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? तो इसमें डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मरीज के लक्षण होते हैं, जिसके लिए हम ब्लैडर डायरी, वॉइडिंग डायरी जिसको बोलते हैं, वो हम पेशेंट से कहते हैं कि उसको मेंटेन करें। ब्लैडर डायरी जिसमें हम पेशेंट से देखते हैं कि वो कितनी मात्रा में दिन भर में औसतन उसका वाटर इनटेक है, इसके साथ साथ में कितनी बार उसको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, जाते समय क्या कोई लीकेज हो जाती है, ये सारी चीज़ें वो ब्लैडर डायरी के माध्यम से अपना रिकॉर्ड कर सकता है और अपने डॉक्टर को वो दिखा सकता है, जो कि उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट ये भी किए जाते हैं। इसके उपचार के लिए जैसा कि हमने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कुछ लोग जो टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। इसके अलावा अपने वजन को नियंत्रण में रखना चाहिए। योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें अपने जीवन शैली में इसको शामिल करें। ब्लैडर ट्रेनिंग, जिसको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, इसके द्वारा आप अपने पेशाब की थैली को जो है ट्रेन कर सकते हैं कि वो यूरिन का इफेक्टिव डिस्चार्ज करें और अनियमित ढंग से सिकुड़े नहीं। इसके लिए दवाएं भी उपलब्ध हैं जो बहुत ही कारगर हैं, जो कि दवाएं मेडिसिन के द्वारा पेशाब की थैली को हम लोग रिलैक्स करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। कुछ केसेस में अगर ये सारे उपचार इफेक्टिव नहीं हैं तो सर्जरी भी की जाती है। ये सारी चीज़ें अगर अपनाएंगे तो इस समस्या से आप काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।